सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को नए नए टाइप के नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक मेडिसिन के बारे में, और ये मेडिसिन है आपके माले सताबरी, और ये जो है मेनली वुमेन्स लोग के लिए बनाई गई मेडिसिन है, और बाकी इसको जेंट्स भी ले सकते हैं दोस्तों। पूरा जो है मैं वीडियो में बताऊंगा, तो इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, क्या साइड इफेक्ट है, कैसे आपको लेना है, क्या प्राइस है, ये सारी जानकारियाँ जो है आज के इस वीडियो में आपको दूंगा। तो दोस्तों सबसे पहले तो जो है हम इसकी प्राइस से शुरुआत करते हैं, इसकी प्राइस क्या है। तो ये 150 रुपये में आपको 60 टैबलेट मिलेंगी, मतलब एक डब्बी में 60 टैबलेट आएंगी। तो दोस्तों अभी जो है इसका प्राइस 150 हो गया है, लेकिन इसके पहले जो है इसका प्राइस था 132। अगर आपको पुराना स्टॉक मिल जाता है तो आपको 132 रुपीज़ में मिल जाएगी, अदरवाइज तो दोस्तों ये 150 रुपये की हो गई है। तो प्राइस तो दोस्तों समय के साथ जो है घटता बढ़ता रहता है, हालांकि इंक्रीज ही होता है प्राइस, कम तो बहुत ही कम होता है। तो दोस्तों ये जो शतावरी है इसको इसका अगर इसका हम बोटनिकल नेम की बात करें तो इसका बोटनिकल नेम है एस्पार्गस रैसमोसस। तो इस ये जो है दोस्तों एक शतावरी पेड़ होता है, उसकी जड़ों से बनाई गई मेडिसिन है और 100% वेजिटेरियन मेडिसिन है, मतलब जो लोग वेजिटेरियन है वो बिल्कुल इसको ले सकते हैं। और इसके अंदर जो टैबलेट मिलेंगी वो 250 mg की टैबलेट मिलेंगी। तो दोस्तों ये जो मेडिसिन है आप कहीं भी, जो मेरा मतलब कोई भी जो मेडिकल स्टोर होता है उधर पर मिल जाएगी, आराम से मिल जाएगी। अगर आपको नहीं मिलती है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो आप अमेजोन से भी घर बैठे बैठे इस मेडिसिन को मंगा सकते हो। तो एक बार दोस्तों डिस्क्रिप्शन मेरा चेक कर लीजिएगा, हो सकता है आपको इसमें डिस्काउंट भी मिल जाए। तो दोस्तों कई लोगों को क्या है मेडिसिन मिलती नहीं है, काफ़ी जो आयुर्वेदिक मेडिकल स्टोर मैंने देखा है बहुत सारी मेडिसिन नहीं रखते हैं, तो उस कंडीशन में जो है हमको ऑनलाइन ये परचेज करनी पड़ती है। अब दोस्तों इसके बेनिफिट के बारे में बात करते हैं, इसके फायदे क्या हैं। तो दोस्तों इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये जो प्रोलैक्टिन जो हार्मोन होता है उसको इम्प्रूव करती, प्रोलैक्टिन हार्मोन जो कि लेडीज़ों में होता है, जो कि मिल्क प्रोडक्शन के लिए होता है और मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ाता है फीमेल लोगों में, तो उनके लिए काफ़ी अच्छा है। कई लोगों ने दोस्तों देखा होगा आपने जिनके बच्चे वगैरह हो जाते हैं उतना जो है प्रोडक्शन नहीं होता है मिल्क का, तो उस कंडीशन में अगर ये लोगे तो काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलेगा आपको। और दोस्तों अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो ये जो प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है ये ब्रेन, एक प्रकार से बोलूँ तो ब्रेन में होता है, और ये जो है दोस्तों जैसे बच्चा जैसे पैदा होता है उसके बाद ये जो हार्मोन है ना ये थोड़ा सा इंक्रीज होता हो जाता है। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा प्रोलैक्टिन हार्मोन के बारे में। अब दोस्तों ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है लेडीज़ लोगों का, उनका जो है काफ़ी हद तक जो है इम्प्रूव करता है या ठीक करता है। तो दोस्तों रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है ये मैन में भी ठीक करता है, अगर मैन लोगों में कुछ प्रॉब्लम है रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड तो ठीक करता है। लेकिन इधर पर मैं एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगा, जैसे मेल होते हैं ना, मेल लोगों में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, उनका लगभग लगभग जो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो ठीक रहता है, लेकिन फीमेल लोगों में मेजरली प्रॉब्लम होती है, उनका कुछ ना कुछ जो है हार्मोन से रिलेटेड, या मैं बोल दूँ रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो गड़बड़ रहता है। तो उनके लिए दोस्तों एक प्रकार से फीमेल लोगों का ये टॉनिक है। इसके अलावा अगर आपको कुछ थकान टाइप का लगता है या फिजिकली या मेंटली कुछ आपको हेल्थ में इशू लगते हैं, या फिर आप कुछ ऐसा लगता है कि यार मेरे में इतनी एनर्जी नहीं है, चाहे वो मेंटली हो या फिर आप फिजिकली हो, तो इस कंडीशन में भी लेडीज़ लोगों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद ये मेडिसिन हो सकती है। इसके अलावा दोस्तों डिलीवरी होने के बाद जो है रिकवरी में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल ये होती है, क्योंकि डिलीवरी के बाद जनरली देखा गया है जो फीमेल होती हैं काफ़ी कमज़ोर हो जाती हैं, खासतौर से 1-1.5 महीने तक तो काफ़ी ज़्यादा कमजोरी होती है। तो उस कंडीशन में ये ले सकते हो, काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा, और इसके अलावा इम्यूनिटी सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग करती है, और इसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती है दोस्तों एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ होती है। तो इधर दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा, और जैसे कि मैंने बताया प्रोलैक्टिन हार्मोन के लिए तो काफ़ी अच्छी मेडिसिन है। और अगर दोस्तों डाइजेस्टिव सिस्टम भी अगर आपका गड़बड़ होता है, जैसे कि गैस की प्रॉब्लम है या जो है कुछ कब्ज जैसा होता है या कुछ पेट में जो खिंचाव टाइप का भी होता है ना, तो उस कंडीशन में भी ये लेडीज़ ले सकती हैं, और डायबिटिक वाले जो पेशेंट होते हैं जिनको डायबिटीज़ होती है उनके लिए भी काफ़ी अच्छी है। और इसके अलावा दोस्तों जिनको थोड़ी सी देखा होगा अपने भूलने की बीमारी भी हो जाती है, उस कंडीशन में भी काफ़ी यूजफुल मेडिसिन है। तो दोस्तों आपको पता लग गया कि कितने सारे फायदे हैं, मेनली दोस्तों लेडीज़ लोग के लिए काफ़ी अच्छी है। तो इधर मैं बात करूंगा भाई जेंट्स के बारे में, तो जेंट्स भी इसको ले सकते हैं, और बिल्कुल दोस्तों शतावरी जेंट्स लेते हैं, लेकिन दोस्तों अगर मैं आपको रियल चीज़ बताऊँ तो ये मेनली जो है फीमेल लोगों के लिए काफ़ी अच्छी है। मेल को भी फायदा पहुँचाती है लेकिन उतना फ़ायदा नहीं पहुँचाती है, हालांकि मेल अगर मेल लोग लेना चाहते हैं तो इसका अल्टरनेट बहुत सारी मेडिसिन है दोस्तों, वो आप सकते हैं। बाकी ये आप चाहें तो मेल बिल्कुल ले सकते हैं, बाकी फीमेल लोगों के लिए तो बहुत अच्छा है, टॉनिक है फीमेल लोगों का, रिप्रोडक्टिव सिस्टम मतलब एक तरीके से नॉर्मल करती है अगर गड़बड़ है किसी लेडीज का तो। और प्रोलैक्टिन हार्मोन की कई लेडीजों को दोस्तों शिकायत आती है खासतौर से बच्चे होने के बाद, तो बिल्कुल शतावरी ले सकते हैं। तो दोस्तों मेल फीमेल कोई भी ले सकता है, बस 18 साल से ऊपर होना चाहिए, अगर आपकी उम्र 18 साल से कम है तो आप बिल्कुल इसको नहीं ले सकते हैं।
और इधर एक इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर लेडीज़ प्रेग्नेंट है या फिर बोलो प्रेगनेंसी में, ये मेडिसिन आपको बिना डॉक्टर के सलाह लिए नहीं लेना है, क्योंकि दोस्तों प्रेगनेंसी में अननेसेसरी कोई भी मेडिसिन नहीं ली जाती है, मैं पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ। और इसके अलावा दोस्तों अगर आपकी इसके पहले भी कोई मेडिसिन चल रही है, मान लीजिए एलोपैथी मेडिसिन चल रही है, तो आप इसको वैसे तो ले सकते हो, एलोपैथी मेडिसिन जैसे लेते हो आप, तो उसके 1-2 घंटे बाद इसको भी खा सकते हो, ले सकते हो। लेकिन दोस्तों मैं बताना चाहूँगा, एक बार आप जो है डॉक्टर से सलाह ले लीजिए। हालांकि कोई भी मेडिसिन के साथ इसको ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई एलोपैथी मेडिसिन बंद करने की ज़रूरत है या इसको बंद करने की ज़रूरत है, क्योंकि दोस्तों एक ये जो है आयुर्वेदिक मेडिसिन है और इसके दोस्तों साइड इफेक्ट कुछ भी नहीं है। तब भी दोस्तों अगर कुछ इस मेडिसिन को लेने के बाद कुछ चेंजेस आपको जो है लगते हैं, ऐसा लगता है कि कुछ पेट खराब हो रहा है, कुछ हेडेक वगैरह हो रहा है, तो आप इस मेडिसिन को लेना बंद कर सकते हैं, हालांकि आपको इसका साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। अब इधर मैं डोज के बारे में बात करता हूँ, तो एक टेबलेट जो है आपको सुबह शाम लेना है या फिर बोल दो 24 घंटे में 2 बार लेना है, और ये जो है आप खाना खाने के करीब आधे घंटे बाद ले सकते हो, दूध के साथ भी ले सकते हो, पानी के साथ भी ले सकते हो। तो इधर मैं बोलना चाहूँगा अगर कोई भी लेडीज़ इसको लेना चाहती हैं सिर्फ फिटनेस के लिए, हेल्थ के लिए, तो बिल्कुल ले सकती हैं, और केवल एक बार लीजिए, फिर एक केवल एक टेबलेट 24 घंटे में लीजिए अगर आप फिटनेस के लिए लेना चाहती हैं। तो अगर किसी लेडीज़ को प्रॉब्लम है, ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो आपको 2 बार लेना है, और अधिक जानकारी के लिए जो है आप डॉक्टर से भी कंसल्ट कर सकते हो। अब इधर रिजल्ट के बारे में बात करें, तो 1 महीने में आपको काफ़ी कुछ जो है समझ में आ जाएगा, और बेस्ट रिजल्ट के लिए जो है आपको 3 महीने इसको लेके देखना पड़ेगा। तो इधर दोस्तों मैंने आपको काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन इस मेडिसिन के बारे में दे दिया है, और अभी भी कोई डाउट है तो आप बिल्कुल आप मुझे कमेंट द्वारा पूछ सकते हो। और अगर इस टाइप से और भी नॉलेजेबल वीडियोस देखना चाहते हो आयुर्वेदिक मेडिसिन से रिलेटेड या हमारे मेडिसिन से रिलेटेड, तो प्लीज़ जो है आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो दोस्तों मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक आप बने रहिए और देखते रहिए अपने चैनल में नॉलेज फॉर इंडिया।